हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ डिज़ाइनर तरीके से स्लीव की चौड़ाई को किस तरीके से बढ़ाया जाए। लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस वीडियो के नीचे आने वाले रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और फिर उसके बाद आने वाले घंटी के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। तो देखिए मेरे पास स्लीव के लिए इतना कपड़ा है। तो हमें क्या करना है कि इस तरीके से इस जोड़ को बनाना है कि ये जो स्लीव है इसकी चौड़ाई भी बढ़ जाए और जो इसका डिज़ाइन है ये भी बन जाए। तो हमें इस तरीके से इसको बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यू रखिए इसको इस तरीके से। अब देखिए, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये जो कढ़ाई हो रखी है इसमें ये जो फूलों का रुख है सब ऊपर की साइड है। तो हमें स्लीव जो है अलग अलग काटनी पड़ेगी, एक साथ हम इसको नहीं काट सकते। कढ़ाई से कढ़ाई हम मिला लेते हैं और इसको यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर सिलाई होगी तो इतना हम मार्जिन छोड़ देते हैं। इसके बाद हम इसका हाफ कर लेते हैं। जितना कपड़ा है उतनी हम स्लीव बनाएंगे, ठीक है। ये हो गया इस तरीके से। ये रुक ऊपर है, ये रुक ऊपर है, ठीक है, यहाँ हो गया। तो देखिए ये टुकड़े जो है इस तरीके से हैं, ये इसके साथ जुड़ेगा और ये वाला हिस्सा इसके साथ जुड़ेगा। ये ध्यान रखना है कि जो फूलों का रुख है वो ऊपर की साइड होना चाहिए, ठीक है। अब ये मैंने 3 इंच चौड़ी स्ट्रिप ले ली है, सीधी साइड जहाँ की तरफ हो अंदर को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और एक सीधी सिलाई लगानी है। तो मैं आपको सिल के दिखा देती हूँ। तो देखिए स्ट्रिप पे मैंने सिलाई लगा ली है, अब हमें इसको सीधा करना है। तो ये देखिए मैंने स्ट्रिप को सीधा कर दिया है और इस सिलाई को सेंटर पे करके आयरन कर लिया है। अब हमें डिज़ाइन बनाने के लिए 2-2 इंच की ये स्ट्रिप के पीसेस कर लेने हैं। तो ये सारे पीसेस हमें बना लेने हैं। तो देखिए ये मैंने स्लीव ली एक और ऊपर से मुझे 1/4 इंच छोड़ देना है, क्योंकि स्लीव का बॉटम मुझे यहाँ पर मोड़ना है और स्ट्रिप को स्लीव के कपड़े पर सीधी साइड इस तरीके से रखना है कि जो सेंटर स्टिच है वो ऊपर की साइड आए, क्योंकि पलट के ये अंदर को चली जाएगी। और स्ट्रिप के बीच का गैप मैं 2-2 पॉइंट ले रही हूँ यहाँ पर। मशीन के एक पैर का मार्जिन देते हुए मैं यहाँ पर सिलाई कर रही हूँ। तो पूरी स्लीव में इसे लगा लेना है। ठीक इसी तरीके से हमें दूसरी स्लीव पर भी ये स्ट्रिप लगानी है। स्ट्रिप के बीच का गैप जो है वो एकदम बराबर होना चाहिए। तो ये लास्ट स्ट्रिप हमने लगा ली, ऊपर से मैंने 2 पॉइंट का मार्जिन छोड़ दिया है सिलाई के लिए। अब ये देखिए ये सारी स्ट्रिप मैंने लगा दी है। अब मैंने 1.5 इंच विड्थ का ये वाइट कलर का कपड़ा लिया है और इसे बीच में से यू फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करने के बाद यू रखना है उल्टी साइड और एकदम सीधी सिलाई लगा लेनी है। तो मैं आपको सिल के दिखा देती हूँ। तो देखिए मैंने ये सिलाई लगा ली है। अब देखिए हमें क्या करना है, जब हम इसे यू
पलटेंगे तो ये हमें यहाँ पर इस तरीके से अंदर की फिनिशिंग के लिए हमें ये पट्टी लगाई है इस तरीके से, ठीक है। अब हम कपड़े का दूसरा हिस्सा उठाएंगे। ये ध्यान रखना कि फ्लावर ऊपर की साइड ही होने चाहिए, ठीक है। तो अब हमें इसको यहाँ रखना है इस तरीके से, ठीक है। और जैसे दो दो पॉइंट की हमने सिलाई लगाई थी, दो दो पॉइंट के गैप पे, ठीक इसी तरह यहाँ पर भी सिलाई लगा देनी है। तो देखिए अब हमने स्लीव का दूसरा पीस लिया है और इस स्ट्रिप को ऊपर से दो पॉइंट का मार्जिन छोड़ते हुए यूं सिल लेना है, जैसे कि स्ट्रिप के बीच का गैप हमने दो दो पॉइंट लिया था, ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी दो दो पॉइंट का ही गैप रखना ज़रूरी है। स्लीव के ऊपरी हिस्से को क्राउन एरिया कहते हैं, तो वहाँ पर हमने दो पॉइंट का गैप इसलिए छोड़ा है कि जब हम स्लीव को शोल्डर के साथ जोड़ेंगे तो वो उतना मार्जिन सिलते समय हमें चाहिए। तो यहाँ पर भी मैं दो दो पॉइंट का गैप देते हुए स्ट्रिप्स को सिल रही हूँ। सेम इसी तरीके से हमें दूसरी स्लीव भी तैयार कर लेनी है। तो ये सिल गया है। तो देखिए इस साइड भी मैंने ये सिलाई लगा दी है। अब ये 1.5 इंच की जो स्ट्रिप है यूं आधा फोल्ड करके हमें यूं इस तरफ भी लगा देनी है ऐसे, ठीक है। तो देखिए इस तरफ भी मैंने स्लीव के स्ट्रिप अंदर से लगा दी है। अब हमें इसको यूं अंदर की साइड फोल्ड कर लेना है और तुरपाई कर लेनी है दोनों स्ट्रिप पे, ताकि ये अंदर से भी फिनिश हो जाए। तो मैं आपको तुरपाई करके, तो ये देखिए मैंने यहाँ पर तुरपाई कर ली है किनारों पर, बैक साइड की भी फिनिशिंग हो गई है और फ्रंट साइड की भी। अब हमें क्या करना है, डबल धागा मैंने हाथ की सुई में डाल दिया है और इसके सेंटर पर यूं ले जाना है और यहाँ पर एक नॉट लगा लेनी है इस तरीके से, इसको काट लीजिए। अब इसको यहाँ पर हमें छोटे छोटे टांके लेने हैं, दो दो तीन तीन पॉइंट के, दो दो पॉइंट के यूं इसको थोड़ा सा यूं खींच लीजिए, ठीक है। उल्टी साइड पे जाकर इसकी ये जो एज है इसको यहाँ पर यूं खींच लीजिए ऐसे ऐसे, ठीक है, यूं हो जाएगा ये तैयार। इसके बाद मेरे पास ये बीट्स हैं, इसको मैं यूज करूंगी यहाँ पर, ठीक है। इसके लिए ये बीट्स मैंने एक डाला ऐसे और इसके यूं आगे एक बार हमें फिर से इसको राउंड घुमा लेना है इस तरीके से कपड़े पर, और इस बीट्स को बिल्कुल सेंटर पे ले आना है यूं। ऐसे एक बार और कर रही हूँ मैं ताकि ये पक्का हो जाए। अब यहाँ पर आपको रॉन्ग साइड पे सुई को ले जाना है, इसे यहाँ पर अच्छे से पक्का कर लीजिए, एक दो नॉट लगा लीजिए और इसी कपड़े के बीच में से निकाल दीजिए और थोड़ा सा खींच के एकदम कट कर लीजिए, ठीक है। ये एक नॉट हमारी लग गई है।
जब हम इसे श्रिंक करते हैं तो थोड़ा सा कपड़ा कम हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से हम दूसरा भी करेंगे। इसके यहाँ से मैंने सुई पे यूं डाला इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे अच्छे से आपको नोट लगा लेनी है, इस वाली नोट को खींच के धागे को कट कर देना है। अब इसके सेंटर पे जैसे हमने वहां पर एक एक पॉइंट पर किया था, ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी खींचना है इसको, ठीक है। ये हो गया, इसको रॉन्ग साइड पे ले जाइए, इस तरीके से इसे खींच लीजिए धागे को, और यूं ऐसे यूं इसे अच्छे से खींचकर तीन चार बार घुमा दीजिए ताकि ये पक्का हो जाए, ठीक है। अब हमें सीधी साइड करना है, अब ये मैंने बीट ली, मोती लिया और इसको यूं इस तरीके से सेंटर पे रखकर इस कपड़े से एक दो बार इसे निकाल देना है ताकि ये यहाँ पर फिट हो जाए, ठीक। इसी तरीके से हमें दूसरी स्लिप भी तैयार करनी है। ये हो गया, अब हमें इसे रॉन्ग साइड पे ले जाना है, यूं रॉन्ग साइड पे अच्छे से नोट लगा देनी है ऐसे, और इसी कपड़े के बीच में से निकाल के थोड़ा सा खींच के कट कर देना है इसको धागे को। फिर से नॉट लगाई तो ये दो बन गए हैं। अब यहाँ से फिर से हमें सेंटर से शुरू करना है, यूं यहाँ पे अच्छे से नॉट लगा देंगे, इसको खींच के कट कर दीजिए, और यहाँ से फिर से एक एक पॉइंट का कपड़ा लेते हुए यूं से खींच लेना है, रॉन्ग साइड पे ले आना है। यूं दो तीन बार यहां से बुझा लीजिए ताकि ये फूले ना, इसे सीधी साइड लेके आइए और एक बीट फिर उठाई और यहाँ पे हमने डाली यूं, और इस तरीके से इसे इस कपड़े के बीच में से गुजार देना है ताकि ये पक्का हो जाए। तीन बार मैंने कर दिया है, अब इसे फिर से हम रॉन्ग साइड पे ले जाएंगे और ये इसको पक्का कर देंगे। तो इसी तरीके से हमें सारे के सारे बीट्स लगा लेने हैं, ये तीन हो गए। अब ये हमें सारे लगाने हैं, तो मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। तो ये देखिए दोनों स्लिप्स में मैंने ये बीट्स लगा दिए हैं, इधर भी और इधर भी। इससे देखिए जो हमारा बीच का जोड़ था वो भी सही हो गया है और साथ साथ ही डिजाइनर भी बन गई है। अब हमें क्या करना है, इसको जब हमें काटना है तो इसको एकदम सेंटर पे यूं फोल्ड करना है इस तरीके से, सेंटर से फोल्ड करना है यूं। ये फूलों का जो प्रिंट है ऊपर की साइड है, ठीक है। अब जैसा भी हम इसे काटना चाहते हैं काट सकते हैं बाजू को। तो देखिए दोस्तों मैंने स्लीव्स की कटिंग कर ली है, लेकिन इस वाली स्लीव्स की अभी भी चौड़ाई कम हो रही है, तो मेरे पास ये कपड़ा बचा हुआ है तो सीधे से सीधा मिलाकर हमें इस तरीके से सिलाई कर लेनी है, जैसे कि मैं पिन लगा रही हूँ, और ये जोड़ जो है हमारी बाजू के नीचे चला जाएगा तो दिखेगा भी नहीं।
तो इस तरीके से हमने बाजू की चौड़ाई को बढ़ा लिया। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ डिज़ाइन तो बन ही गया है, साथ में एक एक इंच जो है स्लीव की चौड़ाई भी बढ़ गई है, क्योंकि अगर हम बीच में जोड़ लगाते तो बहुत ही बुरा लगता। तो आज मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम डिज़ाइनर तरीके से स्लीव की चौड़ाई को बढ़ा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।